Welcome to my YouTube channel. Today's our topic is open source software, shareware and freeware. Open source software का हमारे पास मतलब क्या? Open source software नाम से ही पता चल रहा है कि इसके sources हमारे पास क्या होंगे software की freely for use होंगे. मतलब हम इसको easily क्या कर सकते हैं? Use कर सकते हैं. हमें यहाँ पर कोई भी restriction face नहीं करनी पड़ेगी. हम जरा इसको डिटेल में पढ़ते हैं. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड. ये किस सोर्स में हमें आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड. सोर्स कोड दैट अलाउ द यूजर टू स्टडी. सोर्स कोड हमारे पास कौन से होते हैं जो फ्री इजिली अंडरस्टैंडेबल किसके लिए होते हैं? ह्यूमंस के लिए होते हैं ना. दैट अलाउ यूजर, जो यूजर को क्या कर सकते हैं? अलाउ कर सकते हैं कि वो स्टडी कर लें चेंज एंड इम्प्रूवमेंट के. वो इजिली उस चीज़ को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. जैसे आप कोई भी चीज़ यूज करो तो आप उस वेबसाइट यूज करो तो आप उसमें इजिली क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं. वो फ्रीली आपके लिए क्या होगी कि आप फ्रीली उसको यूज करें और उसको उसकी जितनी फंक्शनैलिटी है वो आप इजिली उससे फायदा उठाओ और उसे पढ़ो. तो वो आप सबसे लिए आप सबके लिए क्या है? फ्री टू यूज है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज फ्री फॉर यूज. बिल्कुल देखिए, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होंगे? फ्री फॉर यूज होंगे. इसकी मॉडिफिकेशन हमारे पास फ्री होगी, डिस्ट्रीब्यूशन. और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओपन ऑफिस, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एंड फ्लाइट केयर्स एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. आगे हमारे पास क्या आ जाता है? शेयरवेयर. शेयरवेयर हमारे पास क्या होता है? अगर आपको यहाँ पर मेरी बात जरा गौर से समझने की जरूरत है, शेयरवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें आपको पेमेंट के साथ आपको खरीदना पड़ता है. मतलब कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होते, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं तो वो कुछ टाइम के लिए हमें बस देते हैं कि आप उसे यूज कर लें, उसकी फंक्शनैलिटी देख लें. तो वो तभी भी हमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी उस टाइम भी क्या कर रहे होते हैं? ट्रेल वर्जन में प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जैसे कि आप, मैं एग्जांपल देती हूँ एमएस वर्ड की. आपने अगर एमएस वर्ड डाउनलोड करना है तो आप इजीली डाउनलोड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ती है. या आप उसको ऑनलाइन यूज कर सकते हैं फॉर सम टाइम्स, 2 weeks, 1 week, 1 month को अपना स्पेसिफिक टाइम दे रहे होते हैं कि आप इस टाइम में इसकी फंक्शनैलिटी को चेक करके देख सकते हैं. और जब वो टाइम ट्रेल वर्जन खत्म हो जाता है टाइम, तो उसके बाद आपको क्या करनी पड़ती है? पेमेंट करनी पड़ती है. और उस स्पेसिफिक टाइम में भी वो आपको क्या दे रहे होते हैं? फंक्शनैलिटी अपनी पूरी नहीं दे रहे होते, लिमिटेड फंक्शनैलिटी वो क्या कर रहे होते हैं? प्रोवाइड कर रहे होते हैं. अब हम पढ़ते हैं, शेयरवेयर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, यूजुअली 1 or 2 months. ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता. इसके क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड. फ्री ऑफ कॉस्ट तो होती है लेकिन सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड्स के लिए. हो सकता है कि वो सिर्फ 1 month आपको दे रहा हो या 2 months दे रहा हो. इट इज अ ट्रेल वर्जन. उसको क्या कहते हैं? ट्रेल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर गिवन टू द पीपल टू डिसाइड वेदर ही वुड लाइक टू बाय द फुल वर्जन. कि वो उस टाइम में जो फ्री वर्जन हमें दे रहे होते हैं वो उसमें डिसाइड कर लें, पीपल डिसाइड कर लें कि क्या वो फुल वर्जन खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते. इसीलिए वो हमें क्या दे रहे होते हैं? ट्रेल टाइम दे रहे होते हैं. फुल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. सम सॉफ्टवेयर इज इन इंस्टॉल ऑन अ न्यू कंप्यूटर्स when they are sold. Example of softwares are anti-softwares, computer games, MS Word हो सकता है, Microsoft Offices हो सकते हैं, etc. Next one is freeware. Freeware हमारे पास क्या होते हैं? Free के नाम से ही पता चल रहा है कि इससे हमें यहाँ पर कोई भी चीज़ buy करने की ज़रूरत नहीं है. जितने software हमारे पास freeware में होते हैं वो हमारे पास क्या है? Free to use होते हैं, free of cost होते हैं. क्या आप उन्हें इजीली बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फ्रीवेयर इज़ अ गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट दैट इज फुल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड. अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब जितना मर्जी टाइम उसको आप यूज करें अनलिमिटेड है वो हमारे पास. और इट मे बी हैव सम रिस्ट्रिक्शन दैट अलाउड फॉर अ पर्सन फॉर अकेडमिक यूज ओनली. एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर हमारे पास क्या जाती है? गूगल क्रोम्स, मोजिला फायरफॉक्स, मीडिया प्लेयर्स, etc. ये सब वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें आप ये बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती, इजीली अवेलेबल होते हैं और इजीली आप इन्हें क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं और एंड यूज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.